हेलो दोस्तों, एमिली डिकिंसन की फेथ इज़ अ फाइन इन्वेंशन एक सार्केस्टिक टोन में लिखी हुई पोएम है। मतलब इसको उपहासात्मक तरीके में लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं फेथ इज़ अ फाइन इन्वेंशन की। पोइट कहती है, फेथ इज़ अ फाइन इन्वेंशन फॉर जेंटलमैन हु सी बट माइक्रोस्कोप्स आर प्रूडेंट इन एन इमरजेंसी। इस पोएम में पोइट साइंस और रिलीजन, विज्ञान और धर्म, इन दोनों के बीच में उपहासात्मक तरीके में कंपैरिजन कर रही है। वो कहती है फेथ यानी कि धर्म ये एक इन्वेंशन है। यहाँ पे इन्वेंशन इस वर्ड का हमें एग्जैक्ट मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी मतलब जो पहले से है उसको खोज के निकालना, उसे ढूंढ के निकालना, और इन्वेंशन मतलब जो चीज़ पहले से नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले रेलवे नहीं थी तो रेलवे को हमने अभी बनाया, तो इसे हम इन्वेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं फेथ एक इन्वेंशन है। मतलब वो क्लियरली यहाँ पे कहना चाहते हैं कि धर्म ये पहले नहीं था, ये जेंटलमैन लोगों ने, ये समझदार लोगों ने बनाया हुआ एक इन्वेंशन है। और वो आगे कहते हैं बट माइक्रोस्कोप्स आर प्रूडेंट इन एन इमरजेंसी। यहाँ पे वो कहते हैं कि माइक्रोस्कोप्स, इस वर्ड को उन्होंने साइंस के तौर पर यूज़ किया है। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि लेकिन इमरजेंसी के वक्त में माइक्रोस्कोप्स यानी कि साइंस ज़्यादा प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब कि सजेस्टेड या फिर एडवाइजेबल है। यहाँ पे इस पूरे पोएम को आप पढ़ने के बाद एक बात आप जान जाओगे कि जो धर्म के मामले में उनका विचार है वो कुछ इस तरह से कि धर्म पहले से नहीं था, जो समझदार लोग थे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, कोई भी इन्वेंशन होता है, मान लीजिए आप कोई भी इन्वेंशन ले लो, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन का हो या फिर कोई रेलवे का हो, वो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। कोई भी इन्वेंशन, उसे मार्केट में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। सिमिलरली वो यहाँ पे इन्वेंशन वर्ड का यूज़ करके ये कहना चाहते हैं कि जेंटलमैन लोगों ने धर्म को इन्वेंट किया है खुद के फ़ायदे के लिए, लेकिन जब भी इमरजेंसी होगी उस वक्त धर्म काम नहीं आएगा बल्कि माइक्रोस्कोप्स यानी कि साइंस काम आएगा। तो ये पूरी पोएम पढ़ने के बाद हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि कई बार मान लीजिए हम हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर हॉस्पिटल में एक भगवान का मंदिर ज़रूर होता है, लेकिन भगवान शायद आपको नहीं बचा पाएंगे, आपको सिर्फ साइंस ही बचा पाएंगे। तो इसलिए अंधविश्वास से दूर जाइए और साइंस को अपनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।